हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फन फ्यूजन विद इंदु। आज हम बना रहे हैं कॉर्नफ्लेक्स की बहुत ही टेस्टी रेसिपी, जिसे आप इवनिंग स्नैक्स की तरह खा सकते हैं, जो है कॉर्नफ्लेक्स नमकीन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले लेंगे एक कढ़ाई या पैन, और इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल गर्म करके इसमें डालेंगे आधा कप मूंगफली के दाने, और इन्हें गुलाबी होने तक फ्राई कर लेंगे। गैस की फ्लेम हमें लो ही रखनी है। जब मूंगफली के दाने फ्राई हो जाएं, तो इन्हें एक टिश्यू पेपर पर उतार लेंगे। इसके बाद इसी ऑयल में फ्राई करेंगे 10 से 15 दो टुकड़ों में कट किए हुए काजू, और इन्हें भी गुलाबी होने तक अच्छी तरह फ्राई करेंगे। जब काजू गुलाबी हो जाएं, तो इन्हें एक टिश्यू पेपर पर उतार लेंगे। काजू फ्राई करने के बाद इसी ऑयल में फिर से फ्राई करेंगे 7 से 8 करी पत्ते, और इन्हें भी क्रिस्प होने के बाद इसमें डालेंगे आधा टीस्पून नमक, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1/4 टीस्पून गरम मसाला। इन सभी मसालों को डालने के बाद इसमें डालेंगे 2 कप कॉर्नफ्लेक्स, और लो टू मीडियम फ्लेम पर कॉर्नफ्लेक्स को तब तक भूनेंगे जब तक कि कॉर्नफ्लेक्स क्रिस्पी ना हो जाएं। लगभग 10 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम पर भूनने के बाद इन्हें एक मिक्सिंग बोल में निकाल लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे फ्राई किए हुए काजू और मूंगफली के दाने, और डालेंगे आधा कप रायते वाली बूंदी, और सभी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद तैयार हैं खाने में बहुत ही टेस्टी इवनिंग स्नैक्स कॉर्नफ्लेक्स चिवड़ा, या फिर कॉर्नफ्लेक्स की नमकीन। आपको ये इजी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है।